Hello students, today we are going to start a new topic that is internal reconstruction. तो सबसे पहले internal reconstruction का meaning क्या होता है, reconstruction क्या होता है, हम पहले उसको discuss करते हैं, then हम continue करेंगे हमारा topic. तो सबसे पहले ये topic शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि what is reconstruction. दो वर्ड से बना है हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. तो फर्स्ट वी वुड लाइक टू नो अबाउट द रिकंस्ट्रक्शन. सो रिकंस्ट्रक्शन क्या रहता है हमारे पास? रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है रीऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज को, जैसे कि हम रिकंस्ट्रक्ट दोबारा से उसको कंस्ट्रक्ट करना. और हमारी कंपनी में क्या रहता है, हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं, like हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, डिबेंचर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, ऑल आर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. ठीक है, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम इन्हें. तो इनको जब आप रिकंस्ट्रक्ट करते हो, रीऑर्गेनाइज करते हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, रिकंस्ट्रक्शन बोल देते हैं. और ये करने की जरूरत कब पड़ती है हमें, ये कब करते हैं हम, जब भी कंपनी के पास कहते कोई फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज होते हैं, देन हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, हमारी कंपनी में रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत होती है. और इस रिकंस्ट्रक्शन को हम जनरली दो वे से करते हैं. वन कि आप कंपनी को वाइंड अप करके करो, दूसरा विदाउट वाइंडिंग अप द एग्जिस्टिंग कंपनी. क्लियर, दो तरीके रहते हैं, एक बिना वाइंड अप करे, एक वाइंड अप करके. ठीक है, अब इनको हम दो तरीके से समझते हैं जिसे हम बोल देते हैं. एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड दूसरा रहता है हमारे पास एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. पहले मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जब आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी जो रहती है वो लिक्विडेट कर दी जाती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रहती है. तो वो क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग कंपनी को जब हम खत्म कर देते हैं, तो दैट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. जैसे कि हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड गोज इनटू लिक्विडेशन एंड बी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ए. अब ए कंपनी को हमने लिक्विडेट कर दिया और ए कंपनी का जो बिजनेस था वो किसने ले लिया, बी कंपनी ने परचेज कर लिया एक तरह से. तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. मींस ए कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बेसिकली हमें किसी दूसरी कंपनी का सहारा लेना पड़ा, तो दैट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या रहती है, जहां पे हम क्या है, वाइंड अप कुछ नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने एक्चुअल का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, सिर्फ हम उसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं, उसमें कुछ रिफॉर्मेशंस करते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. तो दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. दैट इज फर्स्ट बेसिस में आता है हमारे पास वाइंडिंग अप. कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में देयर इज नो नीड टू वाइंड अप द एग्जिस्टिंग कंपनी, बट एक्सटर्नल में हम क्या करते हैं, वाइंड अप कर देते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी. ठीक है, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी. जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होती है उसमें कोई जरूरत नहीं होती कि कोई नई कंपनी फॉर्म की जाए, डजंट नीड और डजंट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी. लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपको नई कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है, कोई नई कंपनी वहां पे अराइज होती है. देन रिडक्शन ऑफ कैपिटल. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है, रिडक्शन करी जाती है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनली हम क्या करते हैं, अपने कैपिटल में कुछ चेंजेस करते हैं. तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको कैपिटल रिडक्शन करनी पड़ती है, ये हम आगे समझेंगे कैसे की जाती है. ठीक है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में इसकी जरूरत नहीं होती. देन लीगल प्रोविजन की अगर बात करें, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956. The corresponding section उसका 66 है 2013 में. Is not yet notified. Then external reconstruction में क्या रहता है, उसका section बताया गया कि कौन सा section है. ठीक है, ये section के differentiation बताइए कि same section के साथ दोनों deal नहीं करते, अलग अलग sections के साथ इनकी dealing होती है. ठीक है बेटा, तो यहां तक था हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. अब तक हमने जाना कि होता क्या है रिकंस्ट्रक्शन और कितने तरीके से होता है, और उन दोनों का डिफरेंस देखा. ठीक है,
अब आता है कि अगर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनली हम क्या करते हैं, उसको फॉर्म करते हैं अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो बेसिकली ये हमारे पास तरीके रहते हैं, कुछ मेथड्स और वेज ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. फर्स्ट वन इज ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल. ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या रहता है, हम क्या करते हैं, अपनी शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस करते हैं. अब ये शेयर कैपिटल में चेंजेस किस तरीके से किए जाते हैं ये देखिए जरा. फर्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड, दैट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल. इसमें क्या रहता है, जैसे सपोज मेरे पास 10 रुपीज के शेयर्स थे, मतलब मेरी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज की, ठीक है, और मैंने क्या किया हुआ है, ऐसे 10,000 शेयर्स क्या करे हुए हैं मैंने, इशू करे हुए 10,000 शेयर्स, यानी कि 10,000 × 10 1 लाख की मेरी शेयर कैपिटल है. अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो शेयर है वो 10 रुपए की बजाय एक शेयर को मैं 100 में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने 10 शेयर का एक शेयर बना दिया. समझे मेरी बात, पहले 10 रुपए का एक शेयर था, अब मैंने 10-10 रुपए के 10 शेयर्स को मिला के 100 रुपीज का अपना एक शेयर बना दिया, तो मेरी टोटल अमाउंट तो 1 लाख ही रहेगी, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो दैट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने शेयर्स की जो कंबाइन कर लिया उनको, ठीक है, स्मॉलर डिनोमिनेशन वालों को इकट्ठा कर दिया, उसे हम किसमें पार्ट, किसमें मान लेते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट मान लेते हैं, कि हमने शेयर कैपिटल को ऑल्टर किया है, ठीक है. सेकेंड रहता है हमारे पास कैपिटल रिडक्शन. ये कैपिटल रिडक्शन क्या होता है हमारे पास, बेसिकली कैपिटल रिडक्शन मीन्स द रिडक्शन ऑफ द इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल. आप क्या करते हो, अपनी इश्यूड सब्सक्राइब्ड या पेड अप कैपिटल, इन तीनों में से अगर आप किसी को कोई चेंज करते हो, रिड्यूस करते हो, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन, ठीक है. ये क्यों किया जाता है, वही कि आपके पास कुछ ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, आपके पास आप इतना यूज नहीं है, आपके पास आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना था, सपोज आपने शेयर इशू कर दिया उसके लिए, ठीक है, पैसा आपके पास आ गया, बट वो प्रोजेक्ट जो है उसकी अप्रूवल कैंसिल हो गई, तो आपके आपके पास वो पैसा जो पड़ा है वो एक्स्ट्रा पड़ा है, ठीक है, तो आप अपने कैपिटल रिडक्शन को यूज करके उस पैसे को वापिस कर सकते हो, एक तरह से कह लो, ठीक है, अनकॉल्ड मनी को आप कैंसिल कर सकते हो, अपनी पेड अप अमाउंट को कम कर सकते हो, तो उस तरीके को हम बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन कर. जैसे कि मैं आपको बोलूं कि हमारे पास, मेरे पास 10 रुपए का एक शेयर था, ठीक है, 8 रुपए उसमें से कॉल्ड अप थे, अब मैं उस 2 रुपए कॉल्ड अप ही नहीं करना चाहती, तो मीन्स मैं 10 वाले को 8 में ही कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल रिडक्शन, ठीक है, कि जब आप अपनी कॉल्ड अप, पेड अप या इश्यूड शेयर कैपिटल में चेंज करते हो, तो उसे बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन. देन थर्ड मेथड हमारे पास आता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट. इसमें क्या रहता है, कहते हैं वेर अ कंपनी हैज इश्यूड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, अलग अलग तरह के शेयर्स की कैटेगरीज में आपने इशू कर रखा है, ठीक है, जैसे सपोज मैंने प्रेफरेंशियल 2 तरह की इशू कर रखी है, एक 10% रेट वाले हैं, एक 8% रेट वाले हैं डिविडेंड वाले, ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं अलग अलग डिफरेंट जो है हमारे पास शेयर होल्डर्स के राइट है, ठीक है, वो राइट वोटिंग का भी हो सकता है, डिविडेंड का भी हो सकता है, या फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का भी हो सकता है. अगर आप उसके किसी राइट में चेंज करते हो तो उसे बोलते हैं वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट. ये भी हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट रहता है. जैसे कि सपोज मेरे पास, जैसे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, कि 10% वाले को हमने चेंज कर दिया 8% वाले में, 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, अब इसको चेंज कर रहे हो तो आप इसको डेबिट कर दोगे, जो नए वाला आपने रखना है उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 8%. ऐसे ही क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स को मैंने नॉन क्यूमुलेटिव में चेंज कर, तो ये सारे वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट के जरिए भी आप क्या कर सकते हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते. इसके अलावा कुछ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम्स होती हैं, लाइक अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. वो आपस में क्या करते हैं, एक अग्रीमेंट के जरिए उसमें क्या कर देते हैं, अपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है उसमें कुछ चेंजेस ले आते हैं, ठीक है, अपने डिबेंचर होल्डर के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, अपने मेंबर्स के साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया,
तो इसके साथ भी आप अपनी इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को. देन सरेंडर ऑफ अ शेयर्स. अगर आपका शेयर होल्डर ही अपने कुछ पार्ट को, अपने शेयर्स को सरेंडर कर देता है, ठीक है, तो वो भी एक तरह से क्या माना जाता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट माना जाता है. तो ये थे कुछ मेथड्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. देन आता है प्रोसीजर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. जब भी आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपकी ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो या नहीं, ये आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए, ठीक है. अगर वहां पे मेंशन नहीं है देन यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और आपको अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ेगा, और उसमें ये प्रोविजन लानी पड़ेगी कि आप अपनी शेयर कैपिटल को मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो एक तरह से, ठीक है, ये आपके वहां पे मेंशन होना चाहिए. देन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल. आपको ट्रिब्यूनल से भी एप्लीकेशन लेनी पड़ती है, ठीक है. ऑल्टरेशन पहले अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को करोगे, देन आपको ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेनी है. रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर एंड मिनट्स ऑफ रिडक्शन. उसके बाद आपने जब भी कहते हैं रिडक्शन तभी इफेक्टिव होगी अगर आप उसकी कॉपी जो रहती है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल की वो आप सबमिट करवाते हो रजिस्ट्रार के ऑफिस, ठीक है. देन इसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या रहता है कि किस तरीके से हम इसकी एंट्रीज वगैरह डालते हैं. तो सबसे पहले देखो, ऑन सेक्रीफाइस बींग मेड बाय शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ रिडक्शन इन द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर. आपको जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स में ऊपर भी बताया है, हमेशा जब भी कोई भी चेंजेस करोगे आप, कोई भी ऑल्टरेशन करोगे, जो पुरानी चीज रहती है उसको हमेशा डेबिट करोगे, पुरानी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे, जो नई शेयर कैपिटल होती है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है, और अगर दोनों में कोई डिफरेंस आए तो वो डिफरेंस चला जाता है आपके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है. देन जैसे डिबेंचर होल्डर्स हैं, अगर वो अपना कोई राइट छोड़ देते हैं, मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया कि नहीं हम आपसे चलो ये पैसे नहीं लेते, ठीक है, तो डिबेंचर्स ऑफ स्टैंडर्ड जो हमारे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं इनका बैलेंस हमेशा रहता है क्रेडिट बैलेंस. लेकिन अगर ये अपना कोई राइट छोड़ेंगे यानी कि कम हो रहे हैं तो ये कर देंगे हम इनको कर देंगे डेबिट, और जो भी इनका डिफरेंस जो भी इनका बैलेंस होएगा जितना का ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो किसमें चला जाएगा, एक नया अकाउंट ओपन कर लेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ऐसे ही अगर कोई एसेट की वैल्यू है, अगर तो वो अप्रिशिएट कर रही है, एसेट अप्रिशिएट करती है तो एसेट डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट किसको करोगे, कैपिटल रिडक्शन को. ऐसे ही अगर कोई एसेट राइट ऑफ करनी है या कम करनी है तो क्या करोगे, एसेट्स को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और ऊपर डेबिट किसको कर दोगे, कैपिटल रिडक्शन. किसी भी चीज को राइट ऑफ करना है, किसी भी एसेट को, गुडविल को, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को, सरप्लस अकाउंट को, ठीक है, तो आपने ये क्या करना है, सबको ट्रांसफर किसमें कर देना, एक तरह से कैपिटल रिडक्शन के थ्रू इसको राइट ऑफ करो. देन फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन द कैपिटल रिडक्शन अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व. उसके बाद जब आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे उसका जो भी बैलेंस बचता है उसको किसमें ट्रांसफर कर देना है, आपने उसके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देना. ये देखिए, जब भी आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है तो देन देयर इज नो एंट्री, ठीक है, उसकी कोई एंट्री नहीं रहती क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल हमने वैसे तो बुक्स में शो नहीं करनी होती, नोट्स में ही शो करते हैं. देन जब आप कंसोलिडेशन करते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 10-10 वाले शेयर्स को आपने 100 वाले में कन्वर्ट कर दिया, तो 50,000 देखो यहाँ पे शेयर्स है हमारे पास, 10 रुपीज का एक शेयर था जिसको आपने कन्वर्ट करके 100 का बना दिया, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाले ब्रैकेट में 10 लिख दिया, अमाउंट कितनी थी 50,000 × 10, 5 लाख, इसको कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाले में, तो अमाउंट तो सेम ही रहनी है. नीचे आपका जो नरेशन रहेगा वहां पे आप लिखोगे कि 50,000 के जो 10 वाले शेयर थे मैंने उसको 5,000 शेयर बन गए, अब वो 100 का ईच शेयर है, ठीक है. ऐसे ही जब सब डिविजन करोगे, मीन्स 100 वाले को 10 वाले में कन्वर्ट किया तो सेम एंट्री आ जाएगी, डेबिट कर दोगे ऊपर 100 की अमाउंट 100 के साथ और नीचे 10 के साथ. हमेशा ओल्ड वाले को क्या करना होता है, आपने डेबिट, और न्यू वाले को क्या करना होता है, क्रेडिट, ठीक है. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या रहता है, किस तरीके से इसको किया जाता है,
ठीक है, देन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.